वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ लेटर बम फोड़ा। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की बार बार तारीफ करने वाले कैलाश मेघवाल ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर पैसों के लेन देन समेत कई संगीन आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक लाने को दावा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। पूर्व स्पीकर ने पत्र में लिखा कि गुलाब चंद कटारिया की छत्र छाया में पार्टी पद और टिकट बंटवारे में लाखों करोड़ों रुपए की हेरा फेरी होती है। अशोक परनामी ने लाखों रुपयों को वापस लौटवाया था। अगर आरएसएस का रक्षा कवच हट जाए और इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जाए तो दर्जनों माई के लाल सामने आ जाएंगे। मेघवाल ने आगे कहा कि साल 2008 में गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी और ओंकार सिंह लखावत ने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि वसुंधरा राजे के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। कटारिया ने स्वयं के स्वार्थ साधने के लिए इस सौगंध को सबसे पहले तोड़ा और वसुंधरा राजे की शरण में चले गए।